हेलो गाइज वेलकम टू साइंस वर्कशॉप दिस इज़ कुसुम हेयर गाइज़ इस वीडियो में हम स्ट्रेस बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे स्ट्रेस बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं डिटेल में हम इसको स्टडी करने वाले हैं सो so, सबसे पहले हम देखेंगे भाई स्ट्रेस होता क्या है ओके okay. देन हम स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे स्ट्रेस कितने टाइप का होता है देन देन हम स्ट्रेस की बायोलॉजी पे आएंगे द बायोलॉजी ऑफ द स्ट्रेस क्या होता है ठीक है और जो स्ट्रेस हमारी बॉडी पे जब होता है तो हमारी बॉडी उसके लिए क्या रिस्पॉन्ड करती है तो वो रिस्पॉन्स पड़ेंगे स्ट्रेस के लिए अपनी बॉडी का उसमें आएगा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एंड जनरल एडेप्शन सिंड्रोम स्ट्रेस ब्रेन बॉडी पाथवे एंड टेंड एंड बी फ्रेंड रिस्पॉन्स ठीक है कि अपनी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है जब भी स्ट्रेस की कंडीशन हो तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें उसके अंदर पढ़नी होती है इसके अलावा स्ट्रेस के क्या इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है ये देखेंगे ठीक है यानी स्ट्रेस बायोलॉजी का कंप्लीट जो नोट्स है वो भी आपको इस पी में मिल जाएगा पूरा का पूरा और अगर आपको इसका पूरा पी डी एफ तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं साइंस वर्कशॉप के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आप मुझे चाहो तो ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो कुसुम चौधरी के नाम से आपको प्रोफाइल मिल जाएगा ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कर देना अगर मन हो तो ठीक है अगर अभी तक नहीं करा है तो और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट है हमारा भाई स्ट्रेस क्या होता है वॉट इज स्ट्रेस तो स्ट्रेस जो है वो एक ऐसा मैथड है कि जिस जब भी कोई थ्रेट आए कोई चैलेंज आए हमारे सामने या फिर कोई फिजिकल और फिज साइकोलॉजिकल बैरियर हो हमारे सामने तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उस कंडीशन में ऐसा मेथड जो है वो क्या है स्ट्रेस है ठीक है मान लो हमारे सामने कोई भी एग्जाम आ रखा है अभी एग्जाम ही चल रहे हैं तो एग्जाम आ रखा है तो एक तरह से हमें क्या होता है भाई एग्जाम आ गए स्ट्रेस हो गया कुछ लोगों ने पढ़ाई की हुई है फिर भी उनको स्ट्रेस हो रहा है कुछ लोगों ने पढ़ाई नहीं की हुई है इस वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होती है यहाँ पर हम टाइप्स में देखेंगे ना तो एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है तो दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो स्ट्रेस होता क्या है जब भी कोई थ्रेट हो चैलेंज हो हमारे सामने या फिजिकल और साइकोलॉजिकल बेरियर

सीक्रेट होता है दूसरा होता है कोर्टिसोल। जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगा तो इनका जो लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो देर आर टू काइंड्स ऑफ स्ट्रेस हार्मोन लेवल फर्स्ट जो है वो है रेस्टिंग और रेस्टिंग और बेसल कॉर्टिसोल लेवल जो कि हमें डेली नॉर्मल एवरीडे क्वांटिटी में चाहिए होता है भाई थोड़ा बहुत ताकि हम स्टैंडर्ड फंक्शनिंग कर सकें रोज़ की काम जो है वो कर सके और ना कॉर्टिसोल या एड्रीनली नहीं होगा थोड़ा बहुत बेसिक लेवल भी उसका तो हम काफ़ी ज़्यादा लेजी पड़े रहेंगे नॉर्मल काम भी नहीं कर पाएंगे ठीक है तो उसका हमको एक्साइट करने में एक अच्छा खासा रोल होता है कि हम अपने काम के लिए एक्साइटमेंट शो करते हैं या फिर अपने काम की तरफ फोकस करते हैं लेकिन जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है तो उसको बोलेंगे रिएक्टिव कॉर्टिसोल लेवल जिसके अंदर कॉर्टिसोल का लेवल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और जो स्ट्रेसर्स है स्ट्रेसर्स हम किसको बोलेंगे ये जो थ्रेट है ये जो चैलेंज है इनको हम स्ट्रेसर्स बोलते हैं उनके लिए रिस्पॉन्स करता है क्या बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल आई होप समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस क्या है कोई भी थ्रेट आए चैलेंज आए फिजिकल और साइकोलॉजिकल बैरियर आए तब हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है वही मेथड है एक स्ट्रेस और जिसके अंदर दो मेन हार्मोन होते हैं एक एड्रिनलिन और एक कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर क्या करते हैं भाई सीक्रेट या प्रोड्यूस होते हैं जिसके अंदर कॉर्टिसोल की अगर बात करें तो एक तो बेसिक लेवल होता है कॉर्टिसोल का जो कि नॉर्मल Uh, जो हमारे डेली लाइफ रूटीन वर्क हैं उनको करने के लिए ज़रूरी होता है और दूसरा जो है वो रिएक्टिव कॉर्टिसोल लेवल होता है जिसके अंदर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है और जब स्ट्रेसर्स आते हैं तब उसको रिस्पॉन्स करता है ये इंक्रीज कॉर्टिसोल ओके आई होप समझ में आ गया होगा देन हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं अगर हम ह्यूमंस की बात करें या फिर मोस्ट ऑफ एनिमल मैमल्स की बात करें ठीक है तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना और जो हाइपोथैलमिक पिट्यूटरी एड्रिनल यानी एच पी एक्सिस जो है ये दो मीज़र सिस्टम है जो कि स्ट्रेस को रिस्पोंड करते हैं ठीक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी हम देखेंगे इसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है एक होता है पैरासिम्पैथैटिक नर्वस सिस्टम तो जो आगे हम प्रोसेस देखेंगे तो वो होगा एक तो सैम का और एक ये एच का कि हमारी बॉडी जो स्ट्रेस कंडीशन में रिस्पॉन्स करती है तो उसके लिए दो सिस्टम होते हैं कि इनके थ्रू जो है वो रिस्पॉन्ड करती है नेक्स्ट अभी हम देख रहे हैं कि भाई स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में तो स्ट्रेस होता है मेनली दो टाइप का एक हो गया यू स्ट्रेस दूसरा हो गया डिस्ट्रेस तो यू स्ट्रेस क्या होता है पॉजिटिव स्ट्रेस होता है यानी कि अगर हमारे एग्जाम चल रहा है भाई और हम हमने तैयारी भी की है लेकिन फिर भी हमें स्ट्रेस हो रहा है तो वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस ही है कि वो हमें थोड़ा एक्साइट करता है भाई थोड़ा मतलब और पढ़ा जाए पूरे साल तैयारी की है लेकिन फिर भी मतलब एक वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस है लेकिन अगर नेगेटिव स्ट्रेस की बात करें तो इसमें दो टाइप होते हैं एक तो होता है एक्यूट स्ट्रेस और दूसरा होता है क्रॉनिक स्ट्रेस एक्यूट स्ट्रेस जो है वो जैसे थोड़े टाइम के लिए रहता है लेकिन जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा टाइम तक लॉन्ग टर्म के लिए चलता है तो वो क्रॉनिक स्ट्रेस का रूप ले लेता है जो कि टॉक्सिक हो जाता है ठीक है क्या हो जाता है टॉक्सिक हो जाता है वो तो यू स्ट्रेस हमें क्या करता है भाई यू स्ट्रेस जो है वो हमें मोटिवेट करता है ये हमारे लिए क्या है पॉजिटिव है ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है ठीक है विद इन अवर कॉपिंग एबिलिटीज़ ये हमारी एबिलिटीज़ को क्या करता है कॉपी Copy, कॉपिंग जो एबिलिटीज़ है उसमें हमारे साथ में रहता है और हमें एक्साइटमेंट फील करवाता है और हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करता है एग्जाम देने जा रहे हो आपको एक्साइटमेंट नहीं है आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है तो मतलब एक्साइटमेंट नहीं है स्ट्रेस की तो चलो छोड़ो एक्साइटमेंट नहीं है वो इसके अंदर आ जाता है तो एक्साइटमेंट नहीं है तो आप मतलब डल, डल जाओगे आपका माइंड इतना वर्क नहीं करेगा जितना आपने पूरे साल उसका प्रिपरेशन करा है और तो जितना पूरा हंड्रेड परसेंट अगर आपने दिया है अपना प्रिपरेशन करने में उस टाइम आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो श्योरली आपको एक्साइटमेंट तो होता ही है वो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है लेकिन वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है उसको हम यू स्ट्रेस बोल रहे हैं देन डिस स्ट्रेस सॉरी डी स्ट्रेस की बात करें तो ये एक नेगेटिव स्ट्रेस है और इसके अंदर एनजाइटी इंड्यूस होती है आउटसाइड अवर कॉपिंग एबिलिटीज़ हमारी कॉपिंग एबिलिटीज़ की ये बाहर की बात है भाई डिक्रीज़ परफॉर्मेंस हमारी परफॉर्मेंस को ये डिक्रीज़ कर देगा अगर हम सॉरी हम एनजाइटी में आ गए पेपर देने जा रहे हैं तो उस टाइम पे तो क्या होगा हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी डिक्रीज़ ही होगी और ये ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो क्या होगा मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी कोज़ कर सकता है ठीक है तो ये डिफरेंसेस थे यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस के बारे में आई होप सबको समझ में आ गया होगा देन हम ये देखते हैं डिस्ट्रेस जो है वो दो टाइप का हमने देखा था एक तो होता है एक्यूट स्ट्रेस और दूसरा होता है क्रॉनिक स्ट्रेस एक्यूट स्ट्रेस जो है वो सडनली आता है कम्स ऑन वेन वी आर सडनली फेस्ड विद द समथिंग न्यू चैलेंजिंग और इवन एक्साइटिंग जब हम कोई भी चीज न्यू देख लेते हैं कोई चीज हमारे सामने ऐसी आ गई जो चैलेंजिंग है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो एक्साइटिंग है तो उस टाइम हमें थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है मान लो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो कोई जॉब के लिए तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होगा कि भाई इंटरव्यू में क्या पूछेंगे अच्छा होगा कि नहीं होगा ठीक है तो वो थोड़ा बहुत क्या होता है एक्साइटिंग भी होता है चैलेंजिंग भी होता है इस तरह से तो ये, इसको हम बोलेंगे एक्यूट स्ट्रेस और ये थोड़े टाइम के लिए रहता है एपिसोडिक स्ट्रेस वेन यू हैव फ्रिक्वेंट एपिसोड्स ऑफ एक्यूट स्ट्रेस कॉजिंग यू to feel like things are happening one after the other मतलब क्या होता है ये थोड़ा एपिसोडिक मान लो एक एग्जाम आ रहा है उसके बाद में दूसरा एग्जाम आ गया फिर तीसरा एग्जाम आ गया ये सिर्फ मान लो आपके कॉलेज एग्जाम चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ कि आपके कॉलेज एग्जाम चल रहा है और आपको स्ट्रेस हो गया फिर जस्ट आपको थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया तो आप आपको लग रहा है कि आपको एक जॉब का इंटरव्यू भी देना पड़ेगा आप उसमें भी फेल हो गए और फिर क्या हो गया आप किसी और एग्जाम की मतलब तैयारी कर रहे थे और वो एकदम से एग्जाम हो गया तो आप मतलब इस तरह से एपिसोडिक स्ट्रेस हो गया जो कि एक्यूट स्ट्रेस ही होता है वैसे तो कि वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता लेकिन थोड़े एपिसोड्स उसके ज़्यादा हो जाते हैं ये मान सकते हो आई होप समझ में आ गया होगा और क्रॉनिक स्ट्रेस में क्या होता है कि वेन यू आर इन स्टेज ऑफ स्ट्रेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब आप स्ट्रेस में बहुत लंबे समय तक रहते हो तो वो हो जाता है क्रॉनिक स्ट्रेस ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होता है क्रॉनिक स्ट्रेस ठीक है तो एक्यूट स्ट्रेस की अगर बात करें तो स्ट्रेस फॉर्म फ्रॉम ए स्पेसिफिक इवेंट और सिचुएशन जैसे कि आर्ग्यूमेंट के टाइम में जैसे भाई ट्रैफिक के पास में कोई एक्सीडेंट हो गया तो भी आप स्ट्रेस में चले जाओगे ये थोड़ा इमीडिएट और स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए होता है एक्यूट स्ट्रेस कैन कम अप इन एनी वनस लाइफ एंड इज़ हाईली ट्रीटेबल एंड मैनेजेबल। एक्यूट स्ट्रेस जो है वो हर एक की लाइफ में आता ही रहता है रोज़ ऐसे देखने को मिलेगा कि भाई रोज़ ही आता रहता है एक तरह से ठीक है लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हाईली ट्रीटेबल है इसको मैनेज किया जा सकता है लेकिन जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये रिपीटेड एक्सपोजर टू स्ट्रेस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेसर्स कि हमारे जो स्ट्रेस है वो लगातार जो है वो रिपीट हो रहा है या फिर जो स्ट्रेसर्स है वो लॉन्ग टर्म तक आ रहे हैं लॉन्ग टर्म तक हमें थ्रेड्स या फिर चैलेंजिंग या फिर कुछ और ऐसी जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिल रही है तो बैड रिलेशनशिप हो गया फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया हाई क्राइम एरिया हो गया तो वो क्रॉनिक स्ट्रेस का रीज़न बन जाएगा क्रॉनिक स्ट्रेस कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज़ कंपेयर टू एक्यूट स्ट्रेस मे रिक्वायर बिहेवियर हेल्थ ट्रीटमेंट और इसको अगर ट्रीट करना है तो क्या रिक्वायरमेंट होता है भाई बिहेवियरल हेल्थ ट्रीटमेंट जरूरी होता है क्रॉनिक स्ट्रेस के ट्रीटमेंट के लिए मैनेज करने के लिए अभी हम एग्जांपल देखते हैं एक्यूट और क्रॉनिक स्ट्रेस का एक्यूट स्ट्रेस में जैसे कि प्रेजेंटेशन एट वर्क वर्क के टाइम आपको प्रेजेंटेशन देना है तो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा ठीक है कंसर्न अबाउट एन अपकमिंग सिचुएशन इवेंट कोई भी अपकमिंग सिचुएशन है या फिर इवेंट है उसके लिए आप कंसर्न दिखा रहे हो तो आपको थोड़ा स्ट्रेस होने लग जाएगा मान लो कोई शादी आ रही है तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो भाई ये करना है वो करना है तो वो भी एक तरह का स्ट्रेस ही हो गया तो वो एक अपकमिंग सिचुएशन या इवेंट आ रहा है उसके लिए आप कंसर्न कंसर्न दिखा रहे हो उस टाइम वो स्ट्रेस आता है रिसेंट आर्ग्यूमेंट विद फ्रेंड और स्पाउस आपका किसी फ्रेंड से या स्पाउस से कोई आर्ग्यूमेंट हो गया हो रनिंग लेट और स्टक इन ट्रैफिक या तो आप लेट रन कर रहे हैं या फिर ट्रैफिक में फंस गए तो फिर उसकी वजह से भी मतलब एक्यूट स्ट्रेस जो वो होता है लेकिन जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस की बात करते हैं तो उसके अंदर एग्जांपल की बात करें भाई कब होता है बैड रिलेशनशिप चल रहा हो आपका आपका जॉब जो है वो स्ट्रेसफुल जॉब हो क्योंकि वो जॉब तो लगातार 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 लॉन्ग टर्म तक करते जा रहे हो ना अब तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए है जब स्ट्रेस लॉन्ग टर्म के लिए चला जाए टॉक्सिक होम एनवायरनमेंट हो लिविंग इन हाई क्राइम एरिया पोअर स्लीप हैबिट्स ऑन गोइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स ये सारी, ये सारी के सारे एग्जाम्पल है क्रॉनिक स्ट्रेस के ठीक है अब स्ट्रेस के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जैसे फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे और फिजियोलॉजिकल जो है वो क्या नुकसान होते हैं भाई स्ट्रेस के वो देखेंगे अगर साइकोलॉजिकल की बात करें तो भाई एनजाइटी हो गया स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन में चला जाएगा इंसान लो सेल्फ एस्टीम शो करेगा स्लीपलेसनेस होगा और फ्रस्ट्रेटेड रहेगा फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाएंगे आउट हो जाएगा तो ये साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं स्ट्रेस के बिहेवियर के अंदर देखें तो भाई एक्सेसिव स्मोकिंग करने लग जाएगा स्ट्रेस में क्या होता है कोई भी हैबिट है उसको वो कॉपी करने लग जाएगा सारी हैबिट जो है वो क्या नहीं होती अच्छी नहीं होती हो सकता है वो कुछ अच्छी हैबिट को भी कॉपी करने लग जाए मतलब एक ही चीज़ को स्ट्रेस में ऐसा होता है लेकिन वो मैक्सिमम टाइम यही देखने को मिलता है कि भाई वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं को कॉपी कर रहा है जैसे कि स्मोकिंग को बहुत ज़्यादा लगातार करने लग जाएगा जो सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं वो अब सब्सटेंस को वो क्या करने लग जाएगा कंज्यूम uh, करने लग जाएगा एक्सीडेंट प्रोनेस ईटिंग डिसऑर्डर्स अवॉइडेंस ये सारी की सारी उसके बिहेवियर में चीजें जो है वो देखने को मिलेगी ओके okay. फिजियोलॉजिकल so, uh, की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर होगा उसका मसल टेंशन हो जाएगा हेड एक रहेगा अल्सर हो सकता है इंपेयर्ड इम्यून सिस्टम हार्ट डिजीज इंसोमेनिया इंसोमेनिया यानी नींद ना आना ठीक है तो ये सारी के सारे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल और बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेज हमें स्ट्रेस की वजह से देखने को मिलते हैं आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर आऊगा देन हम देखेंगे गाइस कि हमारी बॉडी जो है वो कैसे रिस्पॉन्स करती है जब स्ट्रेस होता है ठीक है तो फर्स्ट जो रिस्पोंड है वो है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ठीक है वॉल्टर कैनन नाम के एक साइंटिस्ट थे इन्होंने 1932 में ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था कि बॉडी कैसे रिएक्ट करती है स्ट्रेस में स्ट्रेस के लिए और इन्होंने इसको क्या नाम दिया था फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ठीक है वॉल्टर कैनन नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया कि स्ट्रेस के टाइम में हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है कैसे रिस्पॉन्ड करती है और इसको इन्होंने नाम दिया फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ओके तो इसमें क्या होता है इट रेफर टू फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी एज ए रिजल्ट टू थ्रेट और स्ट्रेसर्स ये क्या करता है कि भाई जैसे ही हमारे सामने थ्रेट या स्ट्रेसर्स आएंगे तो हमारी बॉडी कैसे उसका फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होगा ये इन, इन्होंने बताया है ठीक है इट मोबिलाइजेज एंड प्रिपेयर्स बॉडी आइदर फॉर द फाइट या तो हमारी बॉडी क्या करेगी उस थ्रेड के सामने स्टैंड करेगी फाइट करेगी ठीक है या फिर फ्लाइट करेगी या उस प्रॉब्लम से भागने की कोशिश करेगी ठीक है आपके सामने एक सीर खड़ा है तो आप या तो भाई उससे लड़ लो ठीक है या फिर आप वहाँ से भाग जाओ दो ही ऑप्शन है तो यही दो जो रिएक्शन है वो हमारी बॉडी शो करती है व्हेन कन्फ्रंटेड बाय ए थ्रेट यानी जब हम थ्रेड के सामने हो तो हमारी बॉडी या तो फाइट करेगी यानी स्टैंड लेगी या फिर फ्लाइट करेगी यानी रन अवे करेगी वहाँ से भागने का सोचेगी ठीक है The fight or flight response reaction occur in the sympathetic division of the autonomic nervous system. ये जो fight or flight response का reaction है, ये कहाँ से होता है भाई? जो हमारा autonomic nervous system है ना, और उसके अंदर भी सिंपैथेटिक डिवीजन है, वहाँ से ये रिएक्शन occur होता है, ठीक है? अब अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं एक तो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अब नर्वस सिस्टम सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ब्रेन आ जाएगा और स्पाइनल कोड आ जाएगा लेकिन पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है वो उसके अंदर सोमेटिक नर्वस सिस्टम आएगा और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आएगा ये गाइज जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये क्या कंट्रोल करता है हमारी जो वॉलेंट्री uh, जो मोमेंट है वॉलेंट्री मोमेंट यानी हम अपने हाथ को हिला रहे हैं अपने पैर को हिला रहे हैं अपनी मर्जी से हिला सकते हैं तो ये ऐसे कंडीशन को या ऐसे मोमेंट्स को जो है uh, क्या करेगा कंट्रोल करने का काम करेगा लेकिन जब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये दो टाइप का होता है एक तो सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिंपैथेटिक तो तो uh, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे नॉन वॉलेंट्री जो मोमेंट हैं ठीक है मान लो हमारा हार्ट पंप कर रहा है उस पर हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते भाई एक बार इधर जा एक बार इधर जा या फिर अभी मूव कर अभी मत कर तो जो नॉन वॉलेंट्री है जिन पे हमारा खुद का कंट्रोल नहीं है बॉडी के अंदर हो रहे हैं जो मोमेंट उनको कंट्रोल कौन करता है ओटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और ये भी दो टाइप का होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक तो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ना ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये फाइट और फ्लाइट जो रिस्पॉन्स है वो ओप्योर करता है ओके फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का सिंपेथेटिक जो डिवीज़न है वो ओक्योर करता है और पैरासिंपेथेटिक क्या करेगा होम्योस्टेसिस के लिए हेल्प करेगा यानी कि मान लो हमारे सामने थ्रेट आई और उस टाइम हमारा कोर्टिसोल का लेवल बढ़ गया लेकिन उसको मतलब नॉर्मल लेवल तक भी तो लेके आना है बाद में तो वो वापस से नॉर्मल लेवल तक लेके आने को हम होम्योस्पेसिस बोलते हैं इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन करना होता है ठीक है तो वो काम कौन करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा ओके अब यहाँ वही चीज़ें मेंशन की हुई हैं जो अभी हम पीछे फ्लो चार्ट में देख के आए हैं कि जो पीरीफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर नव नर्व, ओल नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड्स ब्रेन और स्पाइनल कोड्स की जो अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड के बाहर जो नर्व्स है वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कोड तो किसका हिस्सा भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है ठीक है प्राइमरली इंक्लूड सेंसरी एंड मॉडर्न न्यूरोन्स इनके अंदर जो सेंसरी और मॉटर न्यूरॉन जो है वो इंक्लूड होते हैं हमने देखा भाई ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम दो टाइप का इसके अंदर आ जाता है पेरीफेरल के अंदर सोमेटिक में हमने देखा कि भाई ये जो वॉलेंट्री फंक्शन है उसको कंट्रोल करेगा ओटोनॉमिक जो है वो हमारे नॉन इन बोल सकते हैं इन फंक्शन को कंट्रोल करता है जैसे कि हार्ट रेट हो गया डाइजेशन हो गया परस्पीरेशन हो गया ठीक है इन सारी चीज़ों को क्या करता है जो इंटरनल ऑर्गन और ग्लैंड है उनको कंट्रोल करने का काम करेगा ये दो डिवीजन होते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक जो हमारा फा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो उसको एक्टिवेट करता है जब भी कोई एमरजेंसी सिचुएशन आएगी ठीक है एंडोर्स तो क्या होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और इसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पूरा फिजियोलॉजी क्या होता है कैसे ये रिएक्ट करता है पूरे मतलब हॉर्मोनल uh, कैसे सिक्रेट करता है वो पूरा प्रोसेस अभी हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे ठीक है तो जब जैसे कि इसके अंदर क्या हुआ भाई हार्ट रेट क्या हो गया बढ़ गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स किया और हार्ट रेट और बीपी वगैरह बढ़ गया तो अब उसको इक्विलिब्रियम की सिचुएशन भी चाहिए बॉडी को तो वो स्लो हार्ट रेट कौन करेगा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा ठीक है अब ये डायग्राम मैंने लिया था आप वैसे मैं अलग से स्लाइड बना के इसको मेंशन कर सकती थी बट कोई फ़ायदा नहीं था इसमें आपको समझ में आ जाएगा ठीक है देखो पूरा का पूरा जो फ़ाइट और फ्लाइट मतलब जो स्ट्रेस का क्या बोल सकते हैं बायोलॉजी है वो एक इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वो करता है हमारा बॉडी ओके okay. हमारी बॉडी जो है कोई भी थ्रेट आए या फिर डेंजर आए जिसको हम स्ट्रेसर बोलते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स वो करती है तो उसमें से एक रिस्पॉन्स है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जिसके अंदर क्या होगा भाई जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इस फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को ओक्योर करेगा ठीक है और जिसके अंदर हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा वेसो कंट्रैक्शन होने लगेगा जो वेसल्स हैं हमारी उनमें कंट्रैक्शन जो है वो भी बढ़ जाएगा इसके अलावा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है सॉरी uh, एंडोक्राइन जो रिस्पांस है वो क्या होता है जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है ठीक है जो कि किडनी के जस्ट ऊपर यहाँ पे ये आप किडनी देख रहे हो ठीक है ये वाला ये किडनी देख रहे हो इसके ऊपर जस्ट यहाँ प्रेजेंट होता है तो ये एड्रेनलिन और कोर्टिसोल जो हार्मोन है वो क्या करेगा सीक्रेट करेगा इसके अलावा गाइस एक रिस्पांस और शो करती है हमारी बॉडी उसको बोलते हैं टेंड और बी फ्रेंड रिस्पांस और टेंड और बी फ्रेंड रिस्पॉन्स जो है वो मैक्सिमम वुमेन्स में देखने को मिलता है कि जो वुमेन्स होती हैं जब भी उनके सामने कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन आती है ठीक है तो वो टेंडिंग बिहेवियर और बी फ्रेंड बिहेवियर शो करती है टेंडिंग बिहेवियर का मतलब होता है कि वो अपने जो ऑफ स्ट्रिंग ऑफ स्प्रिंग हैं उनके लिए केयर करना शुरू कर देती है ठीक है और जो बी फ्रेंड है यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स के टाइम में वो सोशल जो नेटवर्किंग है उसको बनाए रखती है ठीक है दोनों आपको समझ में आ गया होगा टेंडिंग बिहेवियर मतलब कि वो अपना जो ऑफस्प्रिंग है अपनी संतान जो है उसकी केयर करना स्टार्ट कर देती है उसको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देती है और बी फ्रेंड यानी वो जो सोशल नेटवर्क है उसको बनाए रखने का उससे जुड़, जुड़े रहने का वो कोशिश करती है तो वुमेंस की बॉडी में जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है तो वो इसको क्या करता है टेंडिंग और बी फ्रेंडिंग जो बिहेवियर है इसको ओक्योर करने में हेल्प करता है और इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन जो हॉर्मोन है वो आपने सुना होगा भाई ये खुशी वाला हार्मोन है हैप्पीनेस वाला हार्मोन है तो मतलब ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा तो वो थोड़ा सा टचिंग पे ध्यान देंगे थोड़ा कुछ ग्रूमिंग पे ध्यान देंगे यानी किसी चीज को संवारने में किसी चीज़ को जचाने बचाने में ध्यान देंगे ठीक है तो ऐसा बिहेवियर होता है जिसकी वजह से स्ट्रेस रिलीज करने में उनको हेल्प मिलती है ठीक है एक रिस्पॉन्स होता है कई जी ए एस जी ए एस का मतलब क्या हुआ जनरल जनरल अडेप्टेसन सिंड्रोम होता है ये हमारी बॉडी शो करती है रिस्पॉन्स करती है जब भी कोई थ्रेट या डेंजर आए तो इसके अंदर तीन फेजेस होती है फर्स्ट फ़ेज जो है वो है अलार्म फेज़ दूसरा है रेजिस्टेंस फेज और तीसरा है एग्जोशन फेज अलार्म फेज में क्या होगा कि कोई भी आ, कोई भी लाइक आप क्या बोल सकते हो स्ट्रेस आया थ्रेट आया डेंजर आया तो हमारी बॉडी वही फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स करेगी मतलब इमीडिएट होगा ये कि कोई भी थ्रेट या डेंजर है तो हमारी बॉडी उसके लिए रिएक्ट कर रही है एकदम से कोर्टिसोल का लेवल बढ़ गया भाई और एड्रेनालिन uh, का लेवल बढ़ गया और एकदम बॉडी एकदम एक्टिवेट हो गई कि भाई स्ट्रेस वगैरह जो भी है मतलब वो रिस्पॉन्स करती है इसको बोलते हैं हम अलार्म स्ट्रेज जो कि स्टार्टिंग में जब भी स्ट्रेस आता है या डेंजर आता है तब होता है दूसरा होता है मान लो कोई स्ट्रेस थोड़ा लंबा टाइम तक चल रहा है तो वो उस अपनी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस शो करती है मतलब कि लगातार कोई स्ट्रेस चल रहा है तो हमारी बॉडी उस स्ट्रेस को अडेप्ट करने का कोशिश करती है ठीक है हमारी बॉडी उसको करने का कोशिश करती है लेकिन वो और भी ज़्यादा लंबे टाइम तक चल गया तो क्या होगा एग्जोशन शो करेगी हमारी बॉडी ये हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा और जो बॉडी है उसके अंदर डिजीज़ कोज हो सकती है जैसे कि अल्सर हो गया हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो ये सारे डिजीज़ कोज होने लगेंगे और हमारी बॉडी का जो अडेप्टन रेट है या फिर रेजिस्टेंस है वो गिर जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा ठीक है तो ये मैन क्या होते है भाई तीन रेस्पॉन्स होते हैं आप देख सकते हैं सो so गाइज हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है क्या रिस्पॉन्ड देती है तो हमने तीन पॉइंट देखे इसके अंदर एक तो हमारा बॉडी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्ड शो करता है जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मोक्योर करता है दूसरा जो है वो टेंड और बी फ्रेंड बिहे जो रिस्पॉन्ड है वो शो करता है जो मैक्सिमम मैक्सिममेंस में होता है और तीसरा जो है वो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम शो करता है जिसके अंदर तीन फेजेस होती हैं अलार्म फेज, रेजिस्टेंस फेज और एक्जोशन फेज और इसके अलावा जो स्ट्रेस का कंडीशन होगा उसके अंदर जो एड्रीनलिन ग्लैंड है वो वहाँ से एड्रीनलिन हॉर्मोन और कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है ठीक है आई होप इस स्लाइड में जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको सबको क्लियर रहे होंगे ओके okay. बस बाकी जो हम आगे पढ़ेंगे वो इसका थ्योरी है एक स्लाइड एक फ्लो चार्ट या एक डायग्राम होगा जिसके अंदर हम जो ब्रेन बॉडी और ये स्ट्रेस का जो पाथवे है कि वो कैसे काम कर रहा है वो देखेंगे और उसके बाद में सिर्फ थ्योरी हमें पढ़ना है ये अभी जो हम पढ़ के हैं जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम वही है आप यहाँ देख सकते हैं भाई एक साइंटिस्ट थे हैंस uh, सेले एंड्रोक्राइनोलोजिस्ट थे ये और इन्होंने स्टडी uh, किया भाई चेंजेज इन द बॉडीज फिजियोलॉजी इन रिएक्शन टू स्ट्रेसर्स यूजिंग रेड एज हिज सब्जेक्ट इन 1950 1950 में रेड की बॉडी को इन्होंने यूज़ किया अपनी रिएक्शन को भाई अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए और इनको क्या जानना था स्ट्रेस के टाइम में बॉडी की फिजियोलॉजी रिएक्शन क्या होती है ठीक है तो ही समराइज बॉडीज शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म रिएक्शन टू तो स्ट्रेस एज ए थ्री फीज्ड प्रोसेस टर्म्ड एज कैस जी ए एस तो इन्होंने क्या किया बॉडी कैसे रिएक्ट करती है जब शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हो जब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हो उस टाइम बॉडी कैसे रिएक्ट करती है तो उसके लिए इन्होंने तीन फीस दिए जिनको हमने जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम बोला सबसे पहला फेज है अलार्म रिएक्शन और दूसरा फेज है रेजिस्टेंस तीसरा फेज है एग्जोशन ओके गाइजी मैं पूरा डिटेल में वीडियो बना रही हूँ तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन जो हमारा स्ट्रेस बायोलॉजी है वो टॉपिक कंप्लीटली इसके अंदर आ जाएगा तो फेज वन जो है वो है अलार्म रिएक्शन इट ऑक्योरस वन थ्रेड इज रिकॉगनाइज जब थ्रेड uh, को रिकॉग्नाइज किया जाता है उसी टाइम ये ओक्योर हो जाता है उसी टाइम हमें अलार्म रिएक्शन देखने को मिलता है हेयर असेंशियली फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ओक्योर रिजल्टिंग इन फिजियोलॉजिकल अरो तो इसके अंदर अलार्म रिएक्शन में क्या देखने को मिलेगा हमें वही फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा और फिजियोलॉजिकल अरोजल जो है वो बढ़ जाएगा और जो हमारा थ्रेट है उससे डील करने में वो हमें हमारी मदद करेगा कि या तो वो वहाँ पे भाई जो भी प्रॉब्लम है जो भी स्ट्रेस है उसके लिए स्टैंड ले लो या फिर वहाँ से रन अवे कर जाओ ठीक है तो ये आ गया अलार्म रिएक्शन के अंदर जो दूसरा फेज है वो है रेजिस्टेंस का जब स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है तो हम जो स्टेज आती है वो रेजिस्टेंस स्टेज में हमारी बॉडी एंटर करती है इसके अंदर हमारी जो बॉडी है वो जो स्ट्रेसर्स है उनके लिए अडेप्ट करने का कोशिश करती है बाय मेकिंग मैनी चेंजेज इन द बॉडी टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ द स्ट्रेसर ताकि जो स्ट्रेसर्स हैं उनके इफ़ेक्ट को रिड्यूस किया जा सके और ऐसा कब करते मतलब अपने बॉडी में कुछ चेंजेज होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेसर्स के अफेक्ट इफ़ेक्ट को रिड्यूस किया जा सके और उसके लिए अडेप्ट करती है हमारी बॉडी उस स्ट्रेस के लिए ठीक है तो ये हमारा था रेजिस्टेंस फेज तीसरा जो फेज है वो है एग्जोशन फेज इसके अंदर क्या होगा इफ द स्ट्रेस इज नॉट रिसोल्व इन द फेज टू एंड कंटिन्यूअस फॉर ए सब्सटेंशियल सबस्टेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम वन में एंटर दिस स्टेज अब मान लो रेजिस्टेंस स्टेज में पहुंचने के बाद भी हमारा जो स्ट्रेस प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ तो हमारी बॉडी जो है इस तीसरी फेज में एंटर करती है ठीक है तो यहाँ पे जो बॉडी का रेजिस्टेंस लेवल है वो क्या होगा डिक्रीज होने लग जाएगा कोलैप्स हो जाएगा क्विकली ठीक है और जो हमारा इम्यून फंक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा ठीक है तो इस वजह से इम्यून फंक्शन रिड्यूस हो गया रेजिस्टेंस का जो रेट है वो भी डिक्रीज हो गया तो डिजीज़ ऑफ एडेप्टेसन को लीड करेगा जैसे कि हमारी बॉडी में अल्सर हो जाएगा हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है यानी डिफरेंट डिफरेंट डिजीज होने लग जाएंगे फिर तो ये तीन स्टेजेज बताए थे जो हैंस थे सेल्वे वैज्ञानिक थे हैंस सैल बोल सकते हैं ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये तीन स्टेज फेज बताए थे कि जब भी स्ट्रेस होता है सबसे पहले अलार्म रिएक्शन आएगा जिसमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा फिर हमारी बॉडी अगर ज़्यादा टाइम तक वो स्ट्रेस चला तो उसको रेजिस्टेंस करने का ट्राई uh, करेगी भाई उस सिचुएशन में अपने बॉडी को ऐस ऐसे चेंजेस ले आओ कि स्ट्रेसर्स की इफ़ेक्ट को कम किया जा सके रिड्यूस किया जा सके अगर वो फिर भी सॉल्व नहीं होता है काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है तो हमारी बॉडीज रेजिस्टेंस को तो डिक्रीज़ कर देगी और एग्जोशन को स्टार्ट कर देगी यानी कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा और बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ कूझ होने लग जाएगी सो so, आप यहाँ देख सकते हैं इस ग्राफ में ये हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रेस है और ये हमारा टाइम के साथ में चल रहा है भाई तो क्या होगा कि अलार्म फेज आया तो यहाँ पे स्ट्रेस धीरे धीरे ऐसे अलार्म फेज फाइट और फ्लाइट वाला ही था ठीक है और रेजिस्टेंस स्टेज में रेजिस्टेंस जो वो बढ़ता चला गया ये हमारा रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेस है कि इतना रेजिस्टेंस हमारी बॉडी करती नहीं अलार्म फेज में इतना लेकिन थोड़ा सा और देखा तो वो थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस करने का ट्राई करती है फिर रेजिस्टेंस स्टेज में वो अपने बॉडी में ऐसे चेंजेस लाती है स्ट्रेसर्स के इफ़ेक्ट को कम कर सके लेकिन वो फिर भी सोल नहीं होता तो आप देखो कि जो एग्जोशन हो रहा है ना टाइम के साथ साथ में तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है और क्या होता है वो इम्यून सिस्टम को भी डिक्रीज़ कर देता है और बॉडी में क्या होने लग जाती है डिजीज़ होने लग जाती है अगर हम इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस की इमोशनल या बिहेवियर की बात करें तो क्या हमें देखने को मिलता है भाई जो हमारे माइंड में एक तो होता है फ्रंटल कॉर्टेक्स और एक होता है हिपो ये दो रीज़न होते हैं ठीक है थीके? तो फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो वर्किंग मेमोरी के लिए काम करता है हमारे थॉट्स और इमोशंस को मैनेज करने का काम करता है और हिपो जो है वो क्या करता है जो लर्निंग मेमोरी है और इमोशंस के लिए ये काम करता है ठीक है उनको कंट्रोल करता है तो फ्रंटल कॉर्टेक्स और हिपो दोनों ही इफेक्ट अफेक्ट uh, होते हैं किसकी वजह से स्ट्रेस की वजह से तो जो इसकी वजह से क्या क्या देखने को मिल सकता है वैसे जो हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे वहाँ भी देख लिया था लेकिन हम आगे फ्रंटल कॉर्टेक्स और हीपो के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे इमोशनल और बिहेवियर जो अफेक्ट हैं उनके बारे में हैं। है ठीक है स्ट्रेस की वजह से तो इनकी वजह से ये दोनों चीज़ें क्या होगी अफेक्ट होंगी और इन दोनों चीज़ों की वजह से जो इंसान है जो पीपल है उसमें हमें बिहेवियर और इमोशनल चेंजेस देखने को मिलेंगे जैसे डिप्रेशन हमें देखने को मिल सकता है जिसको हम लर्नड हेल्पलेसनेस बोलते हैं डिप्रेशन को एंगर ज़्यादा देखने को मिलेगा ठीक है uh, फाइट वगैरह ज़्यादा करने लग जाएगा वो एंगजाइटी जो है वो हमें उसमें देखने को मिलेगी और किसी भी चीज़ से एडिक्शन हो जाएगा जैसे कि पुअर कोपिंग पुअर कोपिंग का मतलब होता है कोई भी जो बैड हैबिट है और जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है मतलब नेगेटिव जो हैबिट है उनको बार बार कॉपी करने लग जाएगा उसी को हम एडिक्शन बोलते हैं तो डिप्रेशन एंगर एनजाइटी एडिक्शन ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल सकती है अगर क्रॉनिक स्ट्रेस हुआ तो ओके okay. अब एक पॉइंट आता है कि भाई स्ट्रेस को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं ठीक है जो ब्रेन बॉडी और स्ट्रेस का जो फिजियोलॉजी है ना वो अभी हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं कि भाई जो स्ट्रेस है उसको मैनेज कर कैसे कर सकते हैं हम हम एक्सरसाइज करके मैनेज कर सकते हैं हम कार्डियो जो है वो सबसे ज़्यादा अगर परफॉर्म करें कार्डियो एंड स्ट्रेंथ भी ठीक है जो भी एक्सरसाइज है वो योगा भी कर सकते हैं भाई योगा तो सबसे ज़्यादा सही होता है तो योगा करके एक्सरसाइज करके स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है एक्चुअल में मैनेज किया जा सकता है बोलने की चीज़ नहीं है मेडिटेशन करके ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है मैनेजिंग स्ट्रेस के लिए ठीक है ये यहाँ पे ओम लिखा हुआ है जैसे कि मेडिटेशन करते हैं तो कई लोग जैसे ओम ऐसा कुछ जाप करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है स्ट्रेस को मैनेज करने में या फिर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब काम सिचुएशन होती है लाइक आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो कितना भी स्ट्रेस चल रहा हो लेकिन वो मेडिटेशन जो है वो बहुत ही पावरफुल चीज़ है योगा एंड मेडिटेशन दोनों चीज़ बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल है और दोनों की वजह से हम स्ट्रेस को बहुत हद तक जो है वो मैनेज कर सकते हैं रिलीजियस बिलीफ और फेथ अगर हमें किसी भी रिलीजन में बिलीफ है तो वो चीज़ भी हमें हेल्प करती है स्ट्रेस को मैनेज करने में कॉग्नेटिव फ्लैक्सिबिलिटी uh, हमारा जो कॉग्नेटिव यानी जो मानसिक बोल सकते हैं वो फ्लैक्सिबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करने में हेल्प मिलेगी ठीक है तो ये कुछ मैन मैन पॉइंट्स थे जिनकी जो करके हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं देना हम देखते हैं कि ब्रेन बॉडी पाथवे इन स्ट्रेस आप यहां देख सकते हैं गाइज सबसे पहले तो हमें क्या देखने को मिलेगा भाई एक्यूट स्ट्रेस ही देखने को मिलेगा है ना क्योंकि जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा टाइम तक लंबा चलता है लॉन्ग टर्म के लिए तब वो क्रॉनिक स्ट्रेस का रूप ले लेता है तो सबसे पहले हमारे सामने आए एक्यूट स्ट्रेसर्स यानी थ्रेट और डेंजर सिचुएशन आई तो हमारा जो सराबर कॉर्टेक्स है वो सिग्नल uh, देगा हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस जो है हमारी माइंड के अंदर एक रीजन होता है एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस से देखो दो पाथवे होते हैं एक को हम बोलते हैं एच पी ए यहाँ लिखा हुआ ही है एच पी एक्सेस और दूसरा होता है सैम पाथवे ठीक है ये जो आ, सैम पाथवे है ये इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है कोई भी एक्यूट स्ट्रेसर आया इमीडिएट सिर्फ एक मिनट के अंदर अंदर ये रिस्पॉन्स हमारी बॉडी दे देती है लेकिन जब स्ट्रेस काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है तो ये जो एच पी ए पाथवे होता है ये डिलेड रिस्पॉन्स है डिलेड रिस्पॉन्स यानी इसको बॉडी को रिस्पॉन्स करने में लगभग तीस मिनट का टाइम हमें लग ही जाता है तो सबसे पहले हम सेम पाथवे की बात करें यानी सिंपेथो मेडुलरी पाथवे तो इसमें क्या होगा हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एस एन एस यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हाइपोथैलेमस एक सिग्नल देगा जो कि एड्रिनल मेडुला को एक्टिवेट कर देगा एड्रिनल जो मेडुला होता है गाइज वो हमारे किडनी के ऊपर क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड होता है और मतलब जो हमारी किडनी उसके जस्ट ऊपर वाला जो एड्रेनल रीज़न होता है उसका भी जो इनर पार्ट होता है ना उसको हम एड्रेनल मेडोला बोलते हैं और जो एड्रेनल रीज़न है मान लो ये एड्रेनल रीजन है इसका ये इनर पार्ट है और ये आउटर पार्ट है तो ये जो इनर वाला पार्ट है ना इसको इसको हम मेडुला बोलते हैं इसको ये एक्टिवेट कर देगा अब जो 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 है वो और जो है है वो और हार्मोन उसको सीक्रेट करेगा जिसकी वजह से बढ़ बढ़ जाएगा हार्ट रेट बढ़ जाएगी ठीक एक तो ये हो गया ठीक है ये हमें देखने को मिलता है हम बात करें तो वो है पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस इसमें क्या होगा हाइपोथेराम से सी आर एफ क्या होगा सीक्रेट होगा ओके और ये सिग्नल देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को और पिट्यूटरी ग्लैंड इस सिग्नल को पाके के ए सी टी एच को सीक्रेट करती है ए सी टी एच एक हार्मोन होता है ठीक है इसका फुल फॉर्म जो भी हमने यहाँ पे देखे हैं अभी हम देखेंगे कि भाई किसको क्या बोलते हैं तो ये जो ए सी टी एच है वो एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है उसको क्या करेगा एक्टिवेट करेगा जो कि किसको रिलीज करेगा कोर्टिसोल को रिलीज करेगा एक तो यहाँ पे एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज हो रहा है एक कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज हो रहा है ठीक है जो कार्टी कार्टेक्स है वो जो बाहर वाला पार्ट देखा था ना हमने ये, ये बाहर वाला पार्ट जो है वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स तो दो पाथवे होते हैं सैम पाथवे और एच पी एक्सिस तो ये होता है भाई इमीडिएट रिस्पॉन्स एक मिनट में हो जाता है ये तीस मिनट के समथिंग टाइम ले लेता है और इसके अंदर ब्लड प्रेशर हार्ट रेट बढ़ जाती है और इसके अंदर जो है वो एडिनल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होने के बाद में कोर्टिसोल को रिलीज़ करता है और डिफरेंट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेज़ हमें देखने को मिलते हैं देखो ई सी टी एच को हम बोलते हैं एड्रीनो ट्रॉपिक हॉर्मोन बी पी यानी ब्लड प्रेशर सबको पता ही है सी आर एफ जो हाइपोथेलमस रिलीज कर रहा था उसको हम कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग फैक्टर बोलते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है एस एन एस नर्वस सिस्टम जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है टी पी आर का मतलब होता है टोटल पेरीफेरल रेजिस्टेंस आप यहाँ पे इस स्लाइड में और भी अच्छे से देख सकते हैं कि भाई ब्रेन बॉडी पाथवे इन स्ट्रेस कैसे काम करता है कि एक ये हो गया हमारा एच पी एक्सेस ये हमारा एच पी एक्सेस हो गया और ये हम हो गया हमारा सैम तो सैम के अंदर हमने देखा कि भाई ये इमिडिएट रिस्पॉन्स एक मिनट के अंदर हो जाता है तो जब जैसे ही स्ट्रेस आया या yes, स्ट्रेसर्स हमारे सामने आए तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा हाइपोथैलेमस जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी सिंपैथेटिक डिवीजन को एक्टिवेट कर देगा जो कि एड्रिनल मेडुला को सिग्नल देगा एक्टिवेट होने के लिए ये जो किडनी वाला रीजन है गाइस ये हमारा किडनी है किडनी के जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है जो सो एड्रिनल ग्लैंड वाला जो रीजन है तो यहाँ पे आप देखोगे ये बाहर वाला पोर्शन है ये तो एड्रिनल कॉर्टेक्स है और ये अंदर वाला पोर्शन जो है वो है एड्रिनल मेडुला तो सैम के अंदर एड्रिनल मेडुला यानी बीच वाला जो पोर्शन है वो एक्टिवेट हो रहा है जो कि सीक्रेट क्या करेगा ये एक हार्मोन को सीक्रेट करेगा कैटेकोलेमाइन लेमाइन को क्या करेगा सीक्रेट करेगा साथ ही साथ जो एड्रेनालिन हार्मोन है उसका लेवल भी बढ़ जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा भाई जो कार्डियोवेस्कुलर रिस्पॉन्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगी परस्पिरीशन रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी ब्लड फ्लो जो है वो एक्टिव uh, मसल्स uh, को जो है वो एक्टिव कर देगा ठीक है एंड जो मसल स्ट्रेंथ जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है जब आप मतलब स्ट्रेस के लेवल में होते हो तो आप देखते हो कि भाई आप में बहुत ऐसा ताकत सी आ गई है कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा एक्टिवेट हो गए हो आप है ना और जो मेंटल एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाती है भाई एक्टिवेट हो जाती है ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है मेंटल एक्टिविटी भी ये आपने सब ने रियलाइज़ किया होगा अपनी जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उसके अंदर ठीक है आपने देखा होगा भाई कोई ऐसी uh, सिचुएशन है मतलब एग्जाम की बात कर लो यार नॉर्मली एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपका माइंड थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है अगर एग्जाम से एक दिन पहले बैठो पढ़ाई करने तो आपका माइंड इतना काम करेगा इतना काम करेगा भाई इतना एक्टिव हो तो अगर इतना एक्टिव हो के पूरे साल पढ़ लिया तो हम टॉप ही कर जाएंगे है ना लेकिन वो पढ़ते एक ही दिन है तो फिर इतना हो नहीं पाता है तो वो पासिंग मार्क्स जितने हो पाता है उस दिन तो दूसरा जो पाथवे है वो है कौन सा अपना एच पी ए एच पी ए पाथवे यानी जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है uh, एक सिग्नल देता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करेगी ए सी टी एच जो हार्मोन है एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हॉमोन जो है उसको रिलीज करती है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को यानी ये जो बाहर वाला रीजन है इसको एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से कॉर्टिको uh, ये जो हार्मोन है कॉर्टिकोस्टीरोइड कॉर्डिको स्टीरोइड जो है इसको रिलीज़ करेगा और कॉर्टिसोल को रिलीज़ करेगा ठीक है इसकी वजह से क्या होगा जो हमारा मोबिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन और फैट है वो क्या हो गया बढ़ जाएगा और जो एनर्जी स्टोरेज है वो एक्सेस हो जाएगा और जो इनफ्लामेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा और मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी मतलब वो क्या हो जाएगा भाई मेटाबॉलिज़म uh, रेट बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो बढ़ जाएगी और एक्सेसिव एनर्जी जो है वो हमारे पास में स्टोर हो जाएगी और मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ रही है तो कई बार जो एनर्जी है वो एक्सेस हो जाती है और जो ब्लड शुगर है वो उसके अंदर चला जाता है मतलब ब्लड के अंदर शुगर चला जाता है तो बी पी शुगर जो है बी पी हो गया शुगर हो गया ये बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर क्रॉनिक स्ट्रेस ज़्यादा टाइम तक रह गया तब तो हमारा फर्स्ट जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स था उसको हमने यहाँ देख लिया था भाई जब हमने फ्ले सॉरी ये हाइपोथैलेमस वाला है ये किसके अंदर होता है ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये प्रोसेस लेकिन ये वाला सेकेंड जो प्रोसेस है एच पी एक्सिस वाला ये सेकेंड जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स सेंटर है एच पी एक्सिस जो कि रिलीज uh, करता जो रेगुलेट करता है कॉर्टिसोल के लेवल को विच इन्फ्लुएंस मैने बॉडीली फंक्शन सच एज मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन जो कि किस किस से इन्फ्लुएंस होता है भाई जैसे मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल सॉरी साइकोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है ये कॉर्टिसोल लेवल जो है या फिर एच जो एक्सेस है ये वाला जो सेकेंड हमने देखा था वहाँ पर पिटूट्रिक्लिन से एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो एक्टिवेट हो रहा है वो सब और सैम और एच पी एक्सेस दो चीज़ें हैं ठीक है जो कि रेगुलेट करती है बाई सैबरल ब्रेन रीजन इंक्लूडिंग लिंबिक सिस्टम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एमेक्डिला एमेकडीला बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का सारे इमोशंस जो है जितने भी इमोशन हैं भाई लव गुस्सा एंग एंगरनेस एंड एंजाइटी जो भी है वो एमेकडीला से कंट्रोल होता है एमेक से क्या होता है रेगुलेट होता है तो हाइपोथैलेमस और स्टीरिया uh, टर्मिनेलिस ये सारे के सारे ब्रेन के रीज़न जो है ये सैम और एच पी एक्सिस के द्वारा रेगुलेट होते हैं ठीक है थीके? Through these mechanisms, stress can alter memory function, reward, immune function, and metabolism, and susceptibility of disease. इन सब की वजह से ये सारी जो mechanism है, immune function क्यों गई, metabolism क्यों गई, disease वगैरह आने की हो गई, memory function क्यों गई, ये सारी की सारी चीजें effect होती है, ठीक है? अब जो हमने लास्ट एक स्लाइड में हमने देखा था ना कि हिपो कैंपस और प्रीफ्रेंटल कॉर्टेक्स दो रीजन होते हैं स्ट्रेस के टाइम पे ये दोनों अफेक्ट होते हैं ना तो यहाँ पे उसका थ्योरी मेंशन किया हुआ है मैं कॉर्टिस का लेवल जो है वो बड़ा है तो वो हिपो और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों रीजन को क्या करेगा अफेक्ट करेगा तो अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो क्या काम करता है भाई एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज वर्किंग मेमोरी जो हमारी वर्किंग मेमोरी है उसको मतलब मेंटेन करने का काम करता है भाई डिसीजन मेकिंग रेगुलेटिंग थॉट्स एंड इमोशन इन सब के लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है प्री फ्रेंटल कॉर्टेक्स रीज़न जो है ब्रेन का दूसरा ब्रेन का रीजन है हिपो और ये इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग मेमोरी के लिए और हमारे इमोशंस के लिए ठीक है अब ये जो हिपो और प्रीफ्रेंटल कॉर्टेक्स है ये दोनों अफेक्ट होते हैं स्ट्रेस की वजह से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बी यूकूफो टैक् ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप अपना देख लेना बहुत अजीब सा नाम है तो इन्होंने 2018 में पाया कि दैट हाई लेवल ऑफ ब्लड कार्टिससोल वाज एसोसिएटेड विद पुअर मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग पर्टिकुलरली फॉर द वुमेन खासकर इन्होंने वुमेन्स पे देखा था कि ये जो ब्लड में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ गया तो इसकी इसके बढ़ने की वजह से इसके ज़्यादा टाइम तक बढ़े रहने की वजह से क्या होगा जो हमारे वुमेंस के अंदर मेमोरी को पुअर देखा गया कमज़ोर मेमोरी देखी गई जो कॉगनेटिव फंक्शनिंग जो हो रही है यानी मानसिक जो क्रियाएं हो रही हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर देखी गई इस तरह से कुछ बोल सकते हैं खासकर इन्होंने वुमेंस में ऐसा देखा था

और ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ जो हमारा वर्किंग मेमोरी और डिसीजन मेकिंग का जो फंक्शनिंग कर रहा है प्री फ्रेंटल कॉर्टेक्स ये किसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन की वजह से और स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है कॉर्टिसोल एक चीज ध्यान देना स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है भाई कॉर्टिसोल और एड्रिनली क्रोनिक स्ट्रेस ऑल्सो इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एमिक डेला की एक्टिविटी को क्या कर देगा भाई इंक्रीज़ कर देगा क्रोनिक स्ट्रेस एंड मेक इट हाइपर एक्टिव एंड मे प्री डिस्पोज एज टू बी इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फाइट और फ्लाइट मतलब एमिकडेला भी अफेक्ट हो गया या तो वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा या फिर वही वो डिस्पोज ही हो जाएगा ठीक है मतलब दोनों ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होना एमिकडेला का और जो प्री डिस्पोज होना दोनों ही एडवर्स इफेक्ट होते हैं ठीक है तो ये जो फाइट और फ्लाइट का जो है वो स्टेट uh, है वो भी कांस्टेंट बना रह सकता है क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर ठीक है सेकंड जो है वो क्या अफेक्ट करेगा स्ट्रेस कैन डिसरप्ट सिनेप्टिक रेगुलेशन सिनेप्टिक रेगुलेशन जैसे न्यूरोन जो है एक न्यूरोन एक नव दूसरे नव से क्या सिनेप्स के द्वारा जुड़ी रहती है ठीक है तो ब्रेन सेल का जो कनेक्टिविटी है उसको हम सिनेप्टिक रेगुलेशन बोलते हैं ठीक है तो ये भी डिस्टर्ब हो जाता है लॉस ऑफ सोशबिलिटी एंड द अवयडेंस ऑफ इंट्रैक्शन विद अदर एंड मेमरी इन सारी चीज़ों पर भी अफेक्ट पड़ता है दे डिस्कवर्ड एंड एंजाइम इन्होंने एक, 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 एक एंजाइम को क्या किया था डिस्कवर किया था एम एम पी नाइन उसका नाम था वेन ट्रिगर्ड बाई स्ट्रेस जब ये इंजाइम ट्रिगर होता है स्ट्रेस की वजह से दैट अटेक ए मॉलिक्यूल इन द हिपू कैम्पस हिपू कैम्पस के अंदर ये एक मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग स्नैप्स जो हिपो के अंदर जो मॉलिक्यूल है जिसपे ये अटैक करेगा वो मॉलिक्यूल जो है वो सनेप्सेस को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है वेन दिसनेप्सेस आर मॉडिफाइड फ्यूअर न्यूरल कनेक्शन आर एबल टू बी मेड इन द एरिया जब सिनेप्स वापस मॉडिफाई हो जाते हैं जब न्यूरल कनेक्शन जो है वो एबल बना देता है कि उस एरिया में कुछ कनेक्शन न्यूरल के बन सके ओके okay. कई लास्ट जो है वो रिस्पॉन्स है हमारा टेंड एंड बी फ्रेंड रिस्पॉन्स जो कि वुमेंस में देखा गया फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता ही है फिजिकोलॉजिकल रिस्पॉन्स की अगर बात करें स्ट्रेस के अंदर लेकिन टेलर एंड कॉलेजियस ने ये दो साइंटिस्ट थे इन्होंने 2000 में रिपोर्ट किया कि फ़ीमेल कैसे रिस्पॉन्स करती है स्ट्रेस के लिए और इन्होंने एक पैटर्न देखा और जिसको इन्होंने टेंड एंड बी फ्रेंड पैटर्न बोला ठीक है तो इस थ्योरी के अंदर इन्होंने ये बोला कि भाई जब भी वुमेन जो है अंडर स्ट्रेस होती है तो फीमेल टेंडिंग बिहेवियर को शो करती है और टेंडिंग बिहेवियर में क्या करती है वो ज़्यादा टेंशन देती है अपने जो ऑफ स्प्रिंग है उनकी ज़्यादा केयर करती है आ, उनकी मतलब ज़्यादा केयर करती है उनके ऊपर ज़्यादा टेंशन देती है ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है उनके लिए ठीक है और डिपेंडेंट टू द प्रोटेक्ट एंड रिड्यूस डिस्ट्रेस और अपने को रिड्यूस करती है टेंडिंग बिहेवियर करके दे ऑल्सो शो बी फ्रेंडिंग बिहेवियर तो दूसरा जो बिहेवियर है वो बी फ्रेंडिंग बिहेवियर शो करती है जिसके अंदर वो क्रिएट करती है मेंटेन करती है सोशल नेटवर्क को ठीक है टू एड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस ताकि वो अपना प्रोटेक्शन का जो प्रोसेस है उसको एड कर सके और डी स्ट्रेस को रिड्यूज़ कर सके डी स्ट्रेस हमने देखा था भाई नेगेटिव स्ट्रेस होता है नेगेटिव स्ट्रेस को रिड्यूज़ करने के लिए वुमेन जो है वो टेंडिंग और बी फ्रेंडिंग बिहेवियर शो करती है टेंडिंग बिहेवियर में वो क्या करेगी अपने ऑफ स्प्रिंग को अपनी संतान के लिए वो ज़्यादा प्रोटेक्टिवनेस शो करेगी उसकी ज़्यादा केयर करेगी ठीक है और जो बी फ्रेंडिंग बिहेवियर है उसमें वो सोशल नेटवर्क को मेंटेन करने का कोशिश करेगी ताकि उसको डिस्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प मिल सके एक बायोलॉजिकल सपोर्ट है इस थ्योरी के लिए ऑक्सीटोशन जो हार्मोन है जो कि कौन प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है एज ए रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो क्या होता है रिलीज होता है बट इट इज़ मोर इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंशियल अमंग फीमेल्स लेकिन ये सबसे ज़्यादा देखने को मिला हमें फीमेल्स में ऑक्सीटोसिन काम्स द फीमेल ऑक्सीटोसिन जो हुआ फीमेल को शांत करता है बाई रिड्यूसिंग एनजाइटी एनजाइटी को रिड्यूस करता है प्रोमोट एफिलिटेटिव बिहेवियर एफिलेटेटिव बिहेवियर जैसे कि ग्रूमिंग हो गया टचिंग हो गया बॉन्डिंग बिहेवियर हो गया ये सारी चीज़ें शो करती है वुमेन एफिलियेटेड बिहेवियर करके और अपने एन्जाइटी को रिड्यूस करती है बाय ऑक्सीटोसिन हार्मोन ठीक है तो गाइज आई होप सबको समझ में आ गया होगा और इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई सबसे पहले हमने देखा कि स्ट्रेस होता क्या है ठीक है फिर हमने स्ट्रेस के टाइप्स देख लिए जो कि एक्यूट स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस था जिसके अंदर हमने यू स्ट्रेस और स्ट्रेस के बारे में पढ़ा और ये जो है वो स्ट्रेस के पार्ट है यू स्ट्रेस एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस जो है वो एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है एक्यूट स्ट्रेस थोड़े टाइम के लिए होता है क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चल जाता है जब स्ट्रेस देन हमने देखा कि भाई बॉडी जो है हमारी वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है रिस्पॉन्डिंग के लिए हमने तीन चीज़ें देखी रिस्पॉन्डिंग के लिए हमने तीन चीज़ें देखी एक तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स देखा जिसमें ना या तो वो स्टैंड करेगा या फिर वो वहाँ से भाग जाएगा कोई भी पर्सन है ठीक है कोई भी ऑर्गेनिज्म है दूसरा हमने देखा कि टेंडिंग और बी फ्रेंडिंग बिहेवियर ये मैनली -like किसमें देखा हमने फीमेल्स के अंदर देखा तीसरा हमने जो है वो गैस वाला देखा जनरल अडेप्टेसन सिंड्रोम ये शो करती है हमारी बॉडी जनरल अडेप्टशन सिंड्रोम जिसमें हमने तीन फेजेस देखी एक तो अलार्म फेज दूसरा है रेजिस्टेंस uh, फेज और तीसरा है एग्जोशन फेज ठीक है ये तीन फेजेस देखी और अलार्म फीज यानी जब भी स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज किया गया उस टाइम फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स देगा लेकिन थोड़े ज़्यादा टाइम तक रहा तो हमारी बॉडी उस स्ट्रेस कंडीशन के लिए अडेप्ट करने की कोशिश करे लेकिन उससे भी ज़्यादा टाइम तक रहा तो हमारी बॉडी रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ कर देगी और हमारी बॉडी में डिजीज़ जो है वो कोज होना स्टार्ट हो जाएगी देन लास्ट पॉइंट हमने देखा गाइस कि ब्रेन बॉडी और स्ट्रेस का क्या पाथवे होता है और इसके अंदर हमने दो चीज़ें देखी एक तो एच ए पी और दूसरा था सैम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किससे रिलेटेड ये है और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड तो दोनों में ही हाइपोथैलेमस जो है वो सिग्नल देता है यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को देगा और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा सैम के अंदर हम देखते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ठीक है और जब लॉन्ग टर्म के लिए रह जाता है तब वो हो जाता है क्रॉनिक रिस्पॉन्स मतलब ये तो हो जाता है इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है सैम और एच जो है वो थर्टी मिनट टाइम ले लेता है समथिंग यानी ये डिलेड रिस्पॉन्स होता है और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो सैम के थ्रू होता है और एच के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ओके okay. और मेनली अगर हम बात करें कि स्ट्रेस हार्मोन जो है वो दो है स्ट्रेस हार्मोन जो है वो कौन कौन से भाई एक तो एड्रिनालिन हार्मोन और दूसरा है कॉर्टिसोल हार्मोन यहाँ पे हमारा स्ट्रेस बायोलॉजी से रिलेटेड पूरा टॉपिक जो है गा वो कंप्लीट होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इस वीडियो को बनाने में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है दो दिन मैंने इसको पेपटी बनाने में लगाया है और ट्राई किया है कि और क्या अच्छा बन सकता है और क्या अच्छा बन सकता है तो इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना और कर ही देना यार नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज एक चीज़ और ये एक घंटे का पूरा वीडियो बन गया है अब बने गया तो एक दो मिनट और ले लेते हैं तो एक घंटे का वीडियो बन गया लेकिन एक वीडियो मैं निकालूंगी जिसको ये पूरा टॉपिक है आप ये पढ़ लोगे आपको जब रिवाइज़ करोगे तो वो दस मिनट में रिवीजन करवा दूंगी मैं उसका मतलब मोटा मोटी जो है इस पूरे वीडियो का एक शॉर्ट नोट मैं दे दूँगी आपको शॉर्ट नोट मतलब दस मिनट में आपको पूरा रिवाइज करके समझा दूंगी एक वीडियो और निकालेंगे ठीक है वो भी देखना थैंक यू सो मच कैच मिलता है नेक्स्ट वीडियो में